देखो क्या बताने जा रहे हैं तुम लोग, दूरी सूत्र क्या होता है मैथ में हम लोगों को पढ़ना है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र जो होता है कोई रेखा के मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई रेखा है जी, पहला बिंदु ए दिया हुआ है और दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है। पहला बिंदु कितना है ए और दूसरा बिंदु बी। अब ये दोनों ए और बी के बीच, किसके किसके बीच, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच का दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो बिंदु का निर्देशांक देना पड़ता है। ए का निर्देशांक दे रहेगा और किसका निर्देशांक, बी का निर्देशांक क्या होता है वो मान, यहाँ पर दो गो मान रहेगा, एक एक्स एक्स निर्देशांक और दूसरा वाई निर्देशांक। पहला निर्देशांक यस, दूसरा निर्देशांक वाई, पहला निर्देशांक यस, दूसरा निर्देशांक वाई। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला एक्स वन है और वाई वन है, दूसरा बी का निर्देशांक एक्स टू है और वाई टू है। तो दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, पहला ए और दूसरा बी, पहला ए और दूसरा बी। तो पहला बिंदु को मानेंगे एक्स वन वाई वन और दूसरा बिंदु को एक्स वन वाई टू। पहला बिंदु एक्स वन वाई वन, दूसरा बिंदु एक्स टू वाई टू। अब दोनों के बीच दूरी निकालना है। तो दोनों के बीच दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दोनों के बीच दूरी निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र का मतलब ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट, बोलो अंडर रूट, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, बोलो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। या इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन भी लिख सकते हो, होल स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं। एक्स वन माइनस एक्स टू लिखे या एक्स टू माइनस एक्स वन, दोनों का मतलब सेम होता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई को वाई के साथ, एक्स को एक्स के साथ स्क्वायर करेंगे, वाई को वाई के साथ, वाई को वाई के साथ। तो बोलो क्या लिखाएगा, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला हुआ। तो दूरी सूत्र बराबर क्या बोलेंगे, अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू, दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर और प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो बोलो पढ़ो क्या पढ़ेंगे इसको, क्लियर। तो ये दूरी सूत्र मतलब दूरी निकालने का नियम हुआ, दो बिंदु के बीच दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब इस पर क्वेश्चन एग्जाम्पल करवाते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल, कौन नंबर एग्जाम्पल, पहला नंबर। इसे दो बिंदु दिया रहे, पहला बिंदु ए दे दिया है 5.7 और दूसरा बिंदु दे दिया 3.2। दो बिंदु दिख रहा है, दूसरा बिंदु को मानेंगे बी, पहला बिंदु को मानेंगे ए और दूसरा बिंदु को बी, पहला बिंदु ए दूसरा बिंदु बी। तो अब ये दोनों के बीच का दूरी निकालने बोलेगा कि ए और बी के बीच की दूरी निकाले। तो ए और बी के बीच की दूरी को हम लोग ए बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दूरी को क्या बोलेंगे, अंडर रूट। देखो पहले मान लेंगे
पहले मानेंगे बोलो तो पहला बिंदु को क्या मानते हम लोग बोलो दूसरा बिंदु को बोलो बोलो यक्ष वन का मान कितना बाय वन का मान यक्ष टू का मान बाय टू का मान अब फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे बोलो फॉर्मूला क्या होता है ये फॉर्मूला को लिखेंगे यक्ष को यक्ष के साथ क्या लिखाएगा प्लस बोलो अब इसमें मान भर देना है तो बोलो यक्ष वन का मान कितना पांच माइनस तीन होश में भरेगा बहुत सा बच्चा की करता है एक रूम घटा देता है पांच माइनस सात कर दिया तो यहाँ नहीं यक्ष वन को यक्ष टू के साथ इसका पहला वाला के साथ क्या देगा प्लस बोलो अब यहाँ पर घटाएंगे तो पांच में से तीन गया तो दो का सात में से दो गया पांच का यहाँ पर हो जाएगा बोलो दो का स्क्वायर पांच का पच्चीस तो रूट उन्तीस आया अगर जो रूट से मान बाहर निकलेगा जिसे मान लिया जाए रूट छत्तीस रहता तो छह का होता रूट रूट छत्तीस रहता तो उसका मान छह हो जाता रूट पच्चीस रहता तो कितना हो जाता लेकिन रूट उन्तीस है तो रूट उन्तीस में रहेगा पहला एग्जाम्पल समझ गया दूसरा एग्जाम्पल देखो तुम लोग कौन एग्जाम्पल जैसे दो बिंदु दिया हुआ रहे पहला बिंदु है सात कौमा माइनस तीन और दूसरा बिंदु है माइनस टू कौमा माइनस पांच आराम से देखना है अब इसमें दोनों के बीच पहला बिंदु क्या मानेंगे ए और दूसरा बी बोलो इसको क्या मानते हैं इसको क्या मानेंगे एक्स टू अब दोनों के बीच की दूरी ए बी फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट होगा जी बोलो क्या होगा फॉर्मूला में अब फॉर्मूला भरेंगे एक्स वन की जगह माइनस तीन तीन कैसे बोल दिया था इसका मतलब बगल में देख लिया था क्या बोले थे पहला को पहला के साथ तो बोलो माइनस पहले से है यहाँ से माइनस टू आया तो माइनस और माइनस प्लस बोलो बाई वन का मान अब माइनस फॉर्मूला वाला इधर से आया कितना माइनस पांच माइनस फिर से आया तो माइनस माइनस इन्हें समझ में आया तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से जी सात और दो दो का माइनस तीन और प्लस पांच घटेगा दो का नो का स्क्वायर रूट
85। रूट कितना हो गया? 85। रूट कितना हो गया? 85। तो ये पहला एग्जाम्पल देखिए और ये दूसरा। ये पहला एग्जाम्पल देखिए और ये दूसरा। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कितना नंबर एग्जाम्पल? तीसरा। जैसे दो बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है। पहला बिंदु ए जो है 3.8 है और दूसरा जो है 7.2 है। दिख रहा है सब पुत्र को? तो बोलो इसको क्या मानेंगे? बोलो पहला बिंदु को। इसको बोले ले आता है संभल के बोलेगा। यक्ष्मन यक्ष्मु बोल दिया था मेरे को पुत्र, मारे उम्र लाल हो जाएगा एकदम। यहाँ पर बोलो क्या मानेंगे? क्लियर। पहला बिंदु को 1 लगा के मानेंगे और दूसरा बिंदु में अब दूरी निकालेंगे ए बी बराबर। तो अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट। बोलो पहला क्या हो जाएगा फॉर्मूला? प्लस अब इसमें मान भरेंगे तो x वर्ग की जगह 3 माइनस x की जगह 7 इधर से भरेगा 9 तो 7 का और प्लस y वर्ग की जगह 8 माइनस 2 का और 7 तो 3 में से 7 गया 4 इसीलिए जोड़ घटाव सिखाए थे सर। तुम लोग को जब बैच चालू किए थे तो जोड़ घटाव सिखाए थे, क्योंकि जोड़ घटाव देखो आ रहा है। अब जिस बुद्धू को नहीं पता चलेगा कि जोड़े की घटावे तो गलती हो जाता। बोलो 3 का 3 ना प्लस और 7 का 3 ना माइनस, तो प्लस माइनस जो घटेगा करना माइनस 4 8 में से डूब गया 6 बोलो प्लस का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता। माइनस का भी स्क्वायर प्लस और प्लस का भी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 36 बोलो तो देखो ये होता है 13 चौका 52 बता रहे। तो 13 × 4 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल निकलता है। 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो 4 निकल जाएगा 2 बन के और रूट 13 बोलो इसका होता है कोई? नहीं बेचारी अंदरे रूट में ही रह जाएगा। 4 जो है रूट से बाहर निकल गया 2 बन के और रूट 13 जो है अंदर में ही रह गया। तो 2√13 आया। क्या आया आंसर? 2√13 क्या आया? 2√13